क्वेश्चन 16। टू पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट पी एन क्यू सेपरेटेड बाय डी, ये डी मैंने मार्क किया हुआ है, कंटेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 5000 एंगस्ट्रॉम, विच आर म्यूचुअली कोहेरेंट इन ईच वेवलेंथ सेपरेटली, आर इंसिडेंट नॉर्मली एज ऑन अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ इज गिवन इन द रिलेशन, ये बहुत बेसिक इक्वेशन है, कॉची इक्वेशन कहलाती है, 1.2 प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। इसकी जगह ऐसे लिखते हैं कॉची इक्वेशन को, ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ये कंटिन्यू भी होती है, ऐसे भी रहती है ये, पर हम सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स ही लेते हैं। एनी वेज, वे लैम्डा इज एन एंगस्ट्रॉम एंड बी इज एन बी इज अ कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ बी सच दैट अ कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर द फेस ए सी इज जस्ट सेटिस्फाइड फॉर वन वेव लेंथ एंड नॉट सेटिस्फाइड फॉर दी अदर। इनमें से कोई एक के लिए टीआर हो रहा है एग्जैक्टली इसी 0.8 वैल्यू पर साइन थीटा की। पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिविजन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर बीम वन दैन फॉर बीम टू, लेस फॉर बीम वन दैन फॉर बीम टू। देखिए, अगर नोटिस करें, पहले क्वेश्चन की बात करें कि अगर कोई रे मानो टीआईआर करती, सपोज ये पी टीआईआर करती, तो ये ऐसे चली जाएगी, तो इसका सबसे ज़्यादा डिविएशन होगा। यानी कि हमें तो ये निकालना ही पड़ेगा कि कौन सी वेवलेंथ टीआईआर कर रही है, ये तो पहले निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसीजर पे। हमको दे रखा है ये एंगल थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.8, या यू कहिए कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है 4/5। एक और बात ये है कि म्यू क्या होता है, 1/sin c होता है, वे सी इज अ क्रिटिकल एंगल। हमको ये बोला जा रहा है किसी भी एक रे के लिए यहाँ पर टी आई आर हो रहा है इसी एंगल पे, यानी कि जिसके लिए टीआईआर हो रहा है द वेवलेंथ फॉर विच, देखना है पे 90 है, ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा आ जाएगा इंसिडेंट एंगल। तो जिस भी रे के लिए टीआईआर हो रहा है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, उसके लिए यही एंगल क्या हो जाएगा, जस्ट क्रिटिकल एंगल हो जाएगा ना, जस्ट क्रिटिकल एंगल। द वेवलेंथ फॉर विच, क्योंकि यहाँ जस्ट ही बोला गया है, द वैल्यू ऑफ बी सच दैट कंडीशन ऑफ टी आई आर इज जस्ट सेटिस्फाइड, यानी कि थीटा वो एंगल है जिसे क्रिटिकल लिया जा सकता है उस वेवलेंथ के लिए जिसके टी जिसका यहाँ पे जस्ट वाली कंडीशन आ रही है। द वेवलेंथ फॉर विच द टी आई आर जस्ट टेक्स प्लेस थीटा इक्वल्स टू सी, ठीक है। सो म्यू कितना आ गया, 1/0.8, डेट इज 1.25। तो म्यू हमने उस वेवलेंथ के लिए निकाल लिया, ध्यान रखना अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग म्यू होता है, और इसीलिए कॉची इक्वेशन भी गिवन है ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर। देख सकते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग म्यू हो सकता है, ये म्यू फिक्स नहीं होता ग्लास का, वेवलेंथ अलग तो म्यू अलग हो जाता है सेम ग्लास का। तो ये म्यू जो हमें मिला है ये उस वेवलेंथ के लिए मिला है जो टी आई आर कर रही है, जस्ट जस्ट ग्रेस कर रही है, हमको नहीं पता वो कौन सी हो सकती है, ये भी कि ये भी, ये पी थी ये क्यू है। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा थियोरेटिकल एनालिसिस, जिससे बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ इनमें से टी आई आर कर रही है। देखिए, टी आई आर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल से, या यूँ कहिए कि क्रिटिकल एंगल को कम होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो अगर आप चाहते हो क्रिटिकल एंगल कम हो, तो आप चाहते हो कि साइन सी भी ऑल्सो शुड बी लेसर। यानी कि अब देखिए म्यू का रिलेशन साइन सी से कैसा है, म्यू इक्वल्स टू 1/ एंड लिख लेते हैं फॉर टी आई आर आई ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन आई, ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से दैट साइन सी ऑल्सो शुड बी लेस। जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, टी आई आर की कंडीशन ज़्यादा साबित होगी। अगर मेरे पास दो वेवलेंथ्स हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि टी आई आर उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा
उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा जिसका देखिए यहाँ पे म्यू निकलने जा रहा है, क्योंकि म्यू का रिलेशन साइन सी से इन्वर्स है, तो अगर साइन सी जिसका भी कम होगा उसका म्यू होगा ज़्यादा। सो द टी आई आर इज फेवरेबल फॉर दैट लाइट, फॉर दैट वेवलेंथ फॉर विच म्यू इज हायर। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कॉची इक्वेशन म्यू और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है, और लैम्डा इज लोअर। अब हो गया क्लियर। तो ये कुछ यहाँ से यहाँ तक एनालिसिस चला है जिससे हमने साबित कर दिया कि कम वाली की संभावना ही ज़्यादा है टू कंडर को टी आई आर। हैंस यहाँ से साबित होता है कि जो टी आई आर कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, उसको 4000 एंगस्ट्रॉम का ही होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर 5000 की 5000 वेवलेंथ वाली, अगर ये से मान लो क्यू की 5000 वेवलेंथ थी, अगर 5000 वाली टी आई आर कर रही तो पी भी टी आई आर कर रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादा वेवलेंथ वाली टी आई आर करे और कम वेवलेंथ वाली टी आई आर ना करे, असंभव है। इसलिए कम वाली ही टी आई आर करेगी। वहीं तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा हमें, क्योंकि अगर ज़्यादा वेवलेंथ वाली टी आई आर कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ क्या कम। तो ये जो है आपकी कम, इससे थोड़ी कम वेवलेंथ वाली उसका रिफ्रैक्टिव ज्यादा हो जाएगा। सो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि 4000 वाली का ही टीआईआर हो रहा है। अब हम आसानी से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और पहला हम आंसर दे दें क्योंकि हमने विश्लेषण कर लिया कि किस वेवलेंथ का टी आई आर हो रहा है, और हम आसानी से बोल सकते हैं कि 4000 वाली का हो रहा था। सो वी कैन राइट ग्रेटर फॉर लेमडा वन देन फॉर बीम लेमडा टू, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और हम निकालना भी चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, आइए दिखाते हैं कितना वो डिविएशन होगा। ए पार्ट के लिए 16th का ए पूरा डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये लाइट जा रही है ऐसे, तो ये एंगल सबको पता है साइन थीटा क्या होता है, 0.8 पर इट इज़ 4/5 एंड इट इज़ 53 डिग्री, क्योंकि साइन 37 पे इट इज़ 3/5 एंड साइन 43 पे इट्स 4/5। थोड़ा याद होना चाहिए, यूँ कहीं बच गए कि हमारे पास ऐसा एंगल था कि पता था, नहीं पता होता तो हम इन्वर्स करके लिख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवेज ये 53 है, और साबित किया कि ये भी 53 था, अब ये भी 53 हो गया ना, ये तो 90 और ये कितना है 37। सो डिविएशन कितना हुआ, 90 + 37 का डिविएशन हुआ, यानी कि 127 डिग्री। दैट इज द डिविएशन प्रोड्यूस इन द इन 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। ऑब्वियसली ये जो लाइट है क्यू वाली, ये तो बाहर ही जाएगी, इसका तो 90 भी नहीं है, इसका तो 90 से कम ही होगा, तो ऑब्वियसली तो वेवलेंथ वन विल हैव अ लार्जर डिविएशन। अब बी पार्ट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ बी इज कैसे निकालें, इफेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 + बी बाई लैम्डा स्क्वायर। हमको पता चल चुका है कि 4000 वाली का होगा, और जिसके लिए भी टी आर होने वाला है उसके लिए म्यू की वैल्यू हम पता है कितनी है, 1.25। ऐसे निकाली थी ना, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C 0.8 एंड वी गॉट 1.25 इज इक्वल टू 1 + b/4000 एंगस्ट्रॉम है, तो हम लिख सकते हैं 4 × 10^-7 का स्क्वायर। वी हैव 0.25 × 16 × 10^-14 इज बी, सो वी गेट बी इक्वल्स टू 16 × 0.25 विल बी कितना होगा, ये 4 16 × 1.25 ही आ रहा है, सॉरी 1.2 था, अब ठीक कर लेते हैं इसको, इट विल बी 0.05। सो इट विल बी 16 × 5 = 8 हो जाएगा, और 0.8 एक्चुअली 10^-14, और वी कैन ऑल्सो राइट 8 × 10^-15। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है 8 × 10^5 m² 8 तो मैच कर ही गया ना, तो बी इज द राइट आंसर, या मार्क कर लेते हैं।
सी इज द राइट आंसर सॉरी। और वैसे एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर बनाना चाहते हो तो बहुत इजी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो एंगस्ट्रॉम लिखे हैं तो आप भी एंगस्ट्रॉम लिख दो। एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर अपॉन एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर 10^-20 हो जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +20, तो 5 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर, तो वैसे ही वाला आ गया जैसा दिया हुआ है। बी भी हो गया। अब आया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द प्रिज्म फॉर 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज, क्वेश्चन नंबर 3। म्यू इक्वल्स टू 1 + b, हम निकाल चुके लैम्डा स्क्वायर, 1 + b की वैल्यू कितनी आई है 8 × 10^-15 अपॉन लैम्डा स्क्वायर 5000 था -7 का स्क्वायर। सो म्यू आ जाएगा 1 + 8 × 10^-15 अपॉन 25 × 10^-40, सो 1 + 0.32 × 10^-14 − 15 25, इट विल बी -1, सो इट विल बी 1 + 0.032, 1.032 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। इसमें फिर से मैं भूल जाता हूँ बार बार कि 1.2 दे रखा था क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियसली वी विल सी दैट 1.2, तो 1.232 इज द राइट आंसर। नाउ वी कैन चेक द आंसर, लिखा है कि 1.5 तो है नहीं, √2 भी नहीं है, ग्रेटर देन 1.2 गलत, <1.25, तो ये आंसर डी आ गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द अबव इक्वेशन इज नेम्ड एज कॉची इक्वेशन, ठीक है, कॉची इक्वेशन इज द राइट आंसर।